हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रॉडकास्टर के बारे में ही, और साथ ही दोस्तों बात करेंगे ट्राई के नए रूल एनटीओ 2.0 के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्राई के नए रूल एनटीओ 2.0 1 फरवरी 2023 के बाद से लागू होने वाला है, और इसके तहत सभी ब्रॉडकास्टरों ने अपना नया रियो रेट जारी कर दिया है। और नया रियो रेट जब जारी हुआ तो यहाँ पे अलाकाटे और बुके प्राइस को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया है। उसी चीज को लेकर दोस्तों, इंडिया के लगभग बहुत टॉप मोस्ट वेबसाइट्स पे, टॉप मोस्ट न्यूज चैनल में, इकोनॉमिक्स टाइम जैसे न्यूज में भी ये चीज हुआ है कि इंडिया लीडिंग ब्रॉडकास्टर राइज टीवी चैनल रेट्स आफ्टर 3 इयर्स। ऐसे लिख रहे जैसे इंडिया में एहसान कर दिया इन लोगों ने। हिंदी में बताऊं तो बहुत सारे न्यूज चैनल ने ऐसा हेडिंग बनाया कि इंडिया के बड़े ब्रॉडकास्टरों ने 3 साल बाद चैनल का प्राइस बढ़ाया। इसके पीछे क्या है पूरी सच्चाई, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों बता दूं, एनटीओ 2.0 जब लागू होने वाला है 1 फरवरी 2023 से, और इसी बीच लोगों का ये सोचना था, ये कहना था कि ट्राई के एनटीओ 2.0 जब आएगा तो टीवी का बिल सस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 का अनाउंसमेंट हुए लगभग 1 महीने हो गए हैं। इसी बीच ब्रॉडकास्टरों ने नया रेट भी जारी कर दिया है, और रेट को देख के हमें ये अनुमान लगाना बहुत ही आसान हो गया था कि ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 सस्ता नहीं, महंगा हो गया, कहीं ना कहीं धूल झोंका गया। यहाँ पे ट्राई ने भी साथ ही बहुत स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे मीटिंग्स हुए, सब चीज़ों में जो रूल्स बनाए गए उस रूल को परे करके यहाँ पे सभी ब्रॉडकास्टरों ने बहुत ही स्मार्टली प्राइस को इंक्रीज कर दिया। सभी को पता है कि इंडिया में अलाकाटे वाइज चैनल बहुत कम सेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे कम लोग हैं, क्योंकि ट्राई के नया रूल एनटीओ 1.0 बनाने का मकसद ही था कि कस्टमर जो चैनल देखेगा वही चैनल का प्राइस दे। अगर आप अलाकाटे वाइज लो या बुके वाइज ले, आपके टॉप मोस्ट चैनल देखते हो और बढ़िया इंपॉर्टेंट चैनल देखते हो स्टार, कलर, सोनी, जी के, अगर एक एक चैनल भी मेन मेन लेते हो तो आपका बिल 300 से 350 बन जाता है। अगर आप बुके वाइज भी जाते हो तो स्टार, कलर, सोनी, जी, डिस्कवरी, टर्नर के चैनल्स बुके वाइज लेते हो तो लगभग देखे जाने वाले सभी चैनल मिल जाते हैं, वो भी उतने ही प्राइस में। यानी कि बुके कहीं ना कहीं लोगों को सस्ता पड़ रहा था, इसलिए उतने ही पैसे में ज़्यादा चैनल देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे हुआ यूँ दोस्तों, इस बार बुके के प्राइस में सभी नेटवर्कों ने लगभग 10 से 20% का प्राइस हाइक कर दिया। यानी कि स्टार, कलर, सोनी, जी, डिज्नी, डिस्कवरी, टर्नर, टाइम्स, जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, इन सभी लोगों ने अपने बुके का प्राइस 4 से 5 रुपए तक इंक्रीज कर दिया। जिसके वजह से होगा ये दोस्तों, इंडिया के लगभग 10 ब्रॉडकास्टर हैं, स्टार, कलर, सोनी, जी, डिज्नी, डिस्कवरी, टर्नर, टाइम्स, एनडीटीवी, आईएनटीन मीडिया, इन 10 ब्रॉडकास्टरों के अगर 5-5 रुपए भी प्राइस अगर बढ़ा देते हैं और इन सभी को सम्मिलित करके बुके बनाया जाता है, या 5-7 ब्रॉडकास्टरों को भी सम्मिलित करके बुके बनाया जाता है, लगभग 35 से 40 रुपये प्लस 18% GST, लगभग 50 रुपये तक बिल आपका इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, सभी लोग न्यूज चला रहे हैं कि 3 साल बाद बढ़ाया ब्रॉडकास्टरों ने टीवी का प्राइस, चैनल का प्राइस। ये आंखों में धूल झोंकना है। इस न्यूज से मैं बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक्स वॉट।